जेडी स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग इस क्लास में आज से पढ़ना है लेसन 4, मेंटेनिंग चार्ट्स ऑफ अकाउंट। जैसे अगर टैली की में कीबोर्ड माउस का प्रयोग करते समय किसी अल्फाबेट के नीचे अगर सिंगल लाइन बनती है, यानी इसका मतलब है कि उस बटन को अल्ट के साथ दबाना है, समझिएगा। अगर दिया है ऐसा ऐसा दिया हुआ है, इसका मतलब इसे साथ दबाना है, अल्ट के साथ दबाना है। और ऐसा दिया हुआ है अगर, इसका मतलब कंट्रोल के साथ दबाना है। किसके साथ दबाना है? कंट्रोल के। लिख लीजिएगा आप लोग, सिंगल लाइन होगी तो अल्ट के साथ दबाएंगे, डबल लाइन होगी तो कंट्रोल के साथ दबाएंगे। लिख लीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, कंपनी जब बनाएंगे तो इन बातों का ध्यान देंगे कि डायरेक्टरी, कंपनी नेम, फाइनेंशियल ईयर। डायरेक्टरी में क्या होता है, डायरेक्टरी का मतलब होता है कि आप जहां अपने डाटा को स्टोर करना चाहते हैं। कभी भी डायरेक्टरी सी ड्राइव के अलावा कोई डाटा दिया जाता है, क्यों? क्योंकि अगर फॉर्मेटिंग होती है सी ड्राइव की फॉर्मेटिंग हो जाए, अगर आपका डाटा सी ड्राइव में होगा तो फॉर्मेट हो जाएगा, इसलिए कहीं और जाएगा। अरे कंप्यूटर का वह ड्राइव या वह लोकेशन जहां पर हमें अपनी कंपनी को डाटा स्टोर करना है, इसमें उस पाथ को लिखते हैं जहां पर हम अपनी कंपनी के डाटा को स्टोर करना चाहते हैं। ठीक है, कंपनी नेम में यहाँ आप अपने कंपनी का नाम लिखेंगे, फाइनेंशियल ईयर में वही फाइनेंशियल ईयर, और बुक बिगिनिंग क्या होगा जहां से स्टार्ट हो गया। चलिए, तो सबसे पहले आप टैली आपके पास होगा, सबके सिस्टम में होगा ना, नहीं होगा तो डाउनलोड कर लीजिएगा और ऐसे टैली को ओपन कर। कई लोगों में कंपनी ओपन हो जाएगी, किसी ना किसी की खुली रहेगी, तो आपको करना क्या समझिएगा। कई लोग कंपनी शुरू हो जाएगी, यहाँ पे आपको करना है डिस्कशनल मोड पे। हम किस पे पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास लाइसेंस वर्क नहीं है, हम क्या करेंगे, डिस्कशनल मोड पे पढ़ेंगे। तो कई लोग की कंपनी ओपन हो जाएगी, कई लोग में ऐसा इंटरफेस आएगा, अकेले लोग कंपनी खुल जाएगी। जिस दिन की कंपनी खुल जाएगी, मानी किसी कंपनी खुल जाएगी, तो ऐसा दिखाएगा, तो उस टाइम क्या करेगा, अल्ट एफ थ्री दबा दीजिएगा। लिख लीजिएगा क्रिएट कंपनी, अल्ट एफ थ्री, अल्ट प्लस एफ थ्री कंपनी। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे यहाँ आपको आना है, देखिए सामने क्रिएट कंपनी पे कहाँ आना है और इंटर कर देना है। याद रखिएगा इसमें ज्यादातर कीबोर्ड का यूज किया जाता है, माउस का यूज कम किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बैक स्पेस दबाएंगे, पीछे आना तो बैक स्पेस दबाएंगे, और बाहर निकलना है तो स्केप दबाएंगे, बाहर निकलने के लिए स्केप और पीछे आने के लिए बैक स्पेस। ठीक है, या बैक स्पेस दबाएंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ सी ड्राइव देख रहा है ना, लेकिन नहीं हमको डी ड्राइव में बनाना है। सबसे पहले क्या करेंगे आप, डी ड्राइव आप लोग लिखिए, कॉलन लगाएंगे, डबल बिंदु, देखिए इस नाम से डायरेक्टली बनाएंगे आप लोग, डी ड्राइव कॉलन फॉरवर्ड स्लैश, ऐसे फॉरवर्ड स्लैश अच्छा हो गया, और लिख दिया मैंने टैली, टैली 12:1 AM PM, ये आपकी डायरेक्टरी रहेगी। मतलब आप लोग इस तरह कर सकते हैं, टैली अपना नाम लिख सकते हैं, टैली करण, टैली कुंजन, ऐसा टैली बीबी, टैली मुस्कान, मतलब जो भी मन करे तरीका, तो नाम कभी कभी मैच कर जाते हैं, कुछ ऐसे तरीका यूज करिएगा तो ताकि अलग रहे। हो गया, मेरा यही डायरेक्टरी रहेगी, तो आप लोग का तरीका है जो भी है, लेकिन इतना तो लिखना है आपको, ड्राइव का नाम कॉलन फॉरवर्ड स्लैश टैली, इसके बाद जो भी लिखते रहे। ठीक है, इंटर करेंगे, इंटर करेंगे, क्रिएट करने के लिए पूछेगा, यस क्रिएट कर लीजिएगा, यस, और डायरेक्टरी आपकी बनके तैयार हो जाएगी। देखिए इंटर कर लीजिए, डायरेक्टरी बन गई, देखिए डायरेक्टरी ही रहेगी। अब कंपनी का नाम बनाना है, किस नाम से कंपनी बनानी है, गायत्री नहीं देखिए किस नाम से दिया गया है, लिखा हुआ है गायत्री कंप्यूटर लिमिटेड, क्या लिखा हुआ है, गायत्री कंप्यूटर लिमिटेड, लिख लीजिए यहाँ गायत्री कंप्यूटर्स लिमिटेड। इंटर करेंगे, एड्रेस में नियर रेलवे स्टेशन, स्टेशन अच्छा
स्टेशन रोड पटरौना हो गया इंटर इंटर स्टेट ले लेंगे स्टेट क्या आपका उत्तर प्रदेश यू दबाएंगे आ जाएगा और डाउन एरो से अपर एरो से जो भी चेंज करना चेंज करेंगे उत्तर प्रदेश पिन कोड में 27 43 04 क्या करेंगे टेलीफोन नंबर में सर का नंबर डाल देंगे जो भी नंबर है 39 36 522 400 मोबाइल नंबर सर का 9935131222 फैक्स नहीं है ईमेल आईडी डाल देंगे info@git.edu.in हो गया वेबसाइट का नाम www.git.edu.in .com देखिए सब फाइल में लिखा हुआ है देखिए आप देखिए सब लिखा हुआ है फाइनेंशियल ईयर यहाँ 21 दिया हमारा 23 चलेगा ना तो आप यहाँ ले लीजिएगा इंटर इंटर देखिए 23 रहेगा इंडियन रुपीज INR का मतलब इंडियन रुपीज हो गया बस इंटर करेंगे इंटर करेंगे हो गया अब इंटर करते आएंगे यहाँ जीएसटी पूछेगा जीएसटी का मतलब जानते ही है सर्विस टैक्स उसके नीचे टीडीएस जीएसटी कुछ नहीं करना है जीएसटी वाले सेक्शन को यस कर देंगे क्या कर देंगे यस करेंगे अब उससे पूछेगा आपका स्टेट क्या है उत्तर प्रदेश आप किस टाइप के डीलर है रेगुलर कंपोजिशन रेगुलर लेंगे क्या लेंगे यहाँ पे जिसका टर्न ओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा होता है रेगुलर इंटर इंटर का यहाँ जीएसटी नंबर पूछेगा जीएसटी नंबर डाल देंगे जीएसटी नंबर क्या दिया हुआ है जीएसटी नंबर डालेंगे 09 लिख लीजिएगा आपके थोड़ा सा गलती दिया हुआ है एपी एम पी भी 12 31 M1 जेड इंटर करेंगे यहाँ मंथली रहेगा इंटर करेंगे आपके में लिखा होगा बस ये गलती होगा M1 ने कुछ ऐसा कर जो भी मैच करा लीजिए हम क्या लिखे ठीक है वो दिक्कत है और क्या करेंगे अब इंटर करके क्या करेंगे एक्सेप्ट कर लेंगे कुछ करना ही नहीं है एक्सेप्ट कर लेंगे बस कंपनी बनके तैयार हो गया देखिए यहाँ आपके कंपनी का नाम आ गया और सब चकाचक हो गया कोई दिक्कत नहीं अब इस कंपनी को कभी भी अपने कंपनी पे काम करने के बाद कंपनी को बंद कर लिया जाता है कैसे बंद करेंगे तो कंपनी को यहाँ पे एक वर्ड आएगा अल्टर अल्टर का मतलब होगा जब भी आपको कोई चीज मॉडिफाई करना है कहाँ जाएंगे अल्टर में लिख लीजिएगा कोई भी चीज सुधार करना है कहाँ जाएंगे अल्टर में जाएंगे कोई भी करेक्शन करना आपको करेक्शन करना है या डिलीट करना है तो आप अल्टर मोड में जाएंगे ठीक है और डिलीट करने की शॉर्टकट की यहाँ पे होती है क्या होती है Alt+D और मॉडिफाई करने के लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+Enter तो
हो गया। चलिए ये सैटरडे सारे लिख लिए ना। चलिए अब देखिए कंपनी तो हमारी बन गई, अगर कंपनी में कोई सुधार करना है, डायरेक्टर नहीं चेंज होगी, नाम चेंज करना है, सुधार करना है, डिलीट करना है, सब हो जाएगा कहाँ से, कंपनी में। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, अल्ट, और यही कंपनी है ना आपकी, नीचे वाली ओपन कर लिया, यहाँ पे दबा देंगे अल्ट डी, कोई डिलीट करना है या इंटर दबा देंगे डिलीट हो जाएगा, स्केप दबाएंगे तो फट जाएगा। देखिए यहाँ से नाम जो भी बदलना है बदल लेंगे, बस एक डायरेक्टरी वाला ऑप्शन नहीं दे रहा, बाकी सारा दे रहा है, दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है। यहाँ से कंपनी को डिलीट कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब गायत्री कंप्यूटर लिमिटेड लिखा हुआ है उसमें कुछ और बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं, इसके आप पीछे आएंगे, खाली सिर्फ सही सिलेक्ट करिएगा। दूसरा आप कंपनी में जाके यहीं से कंपनी को क्या कर सकते हैं, शट कर सकते हैं, शट का मतलब क्या होता है, बंद करना, इंटर कर देंगे कंपनी बंद हो गई। देखिए आपकी कंपनी बंद हो गई, ओपन कैसे होगी बताए हैं, अल्ट एफ थ्री बताया ना, क्रिएट कंपनी या सिलेक्ट कंपनी लिखवाए ना, अल्ट एफ थ्री लिखा है ना, क्रिएट कंपनी या शट कंपनी जो भी है, सिलेक्ट कंपनी। देखियो यहाँ ध्यान दो, अब हमारी कंपनी कहाँ है सुनो, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में जाएंगे, इंटर कर देंगे, किस ड्राइव में है, डी ड्राइव में, किस नाम से, किस नाम से बनाए थे हम लोग, टैली 12.1 दिख रहा कहीं, ये रहा ये डायरेक्टरी के नाम से ढूंढते हैं यहाँ पे, टैली 12.1 PM, इंटर, इंटर कंपनी ओपन हो गई। इस तरह कंपनी को आप बंद कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं और अल्टर में जाके इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, कर लेंगे ना। तो आज की क्लास में सिर्फ आपको कंपनी ही बनानी है, आज ही फिक्स कर लीजिए किस सिस्टम बैठना है, बढ़िया बढ़िया सिस्टम लेके बैठ जाइए ताकि कोई हटाए ना आप लोगों वहां से, जरूरी नहीं जहाँ पहले बैठे तो वहीं बैठेंगे, अपना जगह देख के आराम से बैठ जाइए, आपको लड़के एक पास हो जाएंगे, लड़के एक पास हो जाएंगे, ठीक है, ताकि आपस में भी आप लोग हेल्प कर पाए, ठीक है। तो आज की क्लास में आपको कंपनी ही बनाना है और कुछ नहीं बताना है इसमें, कंपनी बना लीजिए, कल से ट्रांजिशन स्टार्ट, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, और ये उम्मीद करूंगा कि आप लोग अच्छा करें, अच्छा परफॉर्म करें, जो आपको इससे पहले गुरु ज्ञान दिया गया वो सारे ज्ञान का यूज अब यही करना है, इसी में करना है, और सारी होशियारी यही दिखेगी आपकी कि आप क्या क्या कर रहे हैं, किसने बातों को ध्यान दिया, किसने नहीं ध्यान दिया, अभी तक आपको सिखाया जा रहा था, अब आप करने की बारी है, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, बस जाइए फटाक से कंपनी बनाइए, सिस्टम सिलेक्ट कर लीजिएगा आज ही आपको, ठीक है, और कंपनी बनाने की दूसरे की हेल्प भी करिएगा, नहीं होगा तो मैं रहता हूँ, मुझे बुला लेंगे आप, ठीक है, या लाइन में रहेंगे, थैंक यू।